एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। कैसे हो आप सभी? मैं हम सब बहुत अच्छा हैं गाइस। आपको दिख रहा होगा मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग है और एंड मेरा व्लॉग मिस भी हो गया था। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स आए थे बट गाइस मेरी थोड़ी तबियत डाउन थी एंड घर पे कोई भी नहीं होता। मोस्टली सब लोग पता नहीं रोज कहीं ना कहीं चले जाते हैं, जीजू, प्रेरणा, नूना और मम्मी, तो उसकी वजह से अकेले होने की वजह से मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ये आवारा है। बेटे गाइस कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई तो इंग्लिश सिखा ही रहा है पर वो कौन है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे, वो मम्मी बताएंगे पूरा डिटेल में आपको। मम्मी जरा बताना। क्या बताऊं पूरा डिटेल कि हम क्यों जा रहे हैं और आपने क्या लंगर खाने जा रहे हैं। क्या है मम्मी लंगर खाने? कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब कोई चीज अगर सूख लेते हैं तो मैंने चलिया उठाना था। तो आज सैटरडे है तो मैं शीशगंज गुरुद्वारे को ज्यादा मानती हूँ। तो मतलब वहाँ पे प्रेरणा की जब तबीयत खराब हुई थी उस दिन ज्यादा इसको जब डॉक्टर के ले जाना पड़ा, रो रही थी दर्द से, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि मैं चलिया उठाऊंगी। तो बोली भी चीज ज्यादा परेशान करती है मम्मी। जैसे आपने क्या बोला था कि आप निशी को भी लेके जाया करोगी और हमें भी लेके जाया करोगी? नहीं ऐसा तो नहीं बोला, मैंने अपने लिए बोला चलिया उठाने को। जाओगे तो और अच्छी बात है, मतलब आपको जाना जरूरी है और जो बोलता है उसे जाना जरूरी है। अब अगर मैं ये बोलती कि मैं निशी को भी लेके आऊंगी तो फिर कंपलसरी हो जाता। मैंने ये बोला कि मैं चलिया करूंगी तो मैंने अपने लिए बोला मैं करूंगी, और वैसे अगर साथ जाए तो और अच्छी बात है भाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, मैं और ये प्रेरणा और ये कोमल और मम्मी नोना और जीजू, हम सब जा रहे हैं मम्मी चांदनी चौक शीशगंज गुरुद्वारे जा रहे हैं। अभी वहाँ जाके फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैं तो गई जैसे गुरुद्वारे पता ही गाइस क्यों मेरा बोलती हूँ, मुझे टंग थोड़ी स्लिप सी हो जाती है। बट हम जा रहे हैं अभी, फिर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। और आप लोग कैसे हो, आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं कमेंट करके बताना। बाकी मैं आपसे देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके जी तो काफी सारे प्राइजेस, वो भी लोटस 365.in पर। यहाँ रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 प्लस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देकर आप जीत सकते हो काफी सारे बड़े बड़े प्राइजेस। लोटस 365 पर रजिस्टर करो और पाओ 365 का बोनस। यहाँ पर आपको मिलता है 1-to-1 कस्टमर आर सपोर्ट। और तो और गाइस यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ पर क्रिकेट के अलावा 200 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पर आप अपना ओपिनियन देकर जीत सकते हो काफी बड़े बड़े प्राइजेस। तो गाइस और तो और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रोटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देर मत करो, कमेंट में आपको मिल जाएगा लिंक पिन, तो जल्दी से जाओ रजिस्टर करो लोटस 365.in पे। पहुंच गए हैं गुरुद्वारे, एंट्री करूं, मम्मी डेढ़ा पधार रहे है। ये क्या क्या जीजू? मैं चाहता हूँ लोग बोलते हैं, मैं चाहता हूँ जैसे पहले राजा महाराजा जिंदगी जी है ना, हाँ। मैं वो वाली जिंदगी जी। तो पहले के समय में क्यों ना पैदा हुए? अरे पता ना काहे को मैं लेट हुआ। ये तो मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं और जीजू को चाहिए गाइस महाराजा राजाओं वाली जिंदगी। गाइस चांदनी चौक में मॉल एक बन रहा था एंड वो बन चुका है अब, तो अभी मतलब प्रोसेस में ही है बनने के लिए। तो जीजू उसे देख के बोल रहे हैं कि मेरी भी ऐसी कोठी बंगला होता और ये होता और वो होता। और बाकी चलो गुरुद्वारे पहुंच गए, सामने आपको दिख रहा होगा, चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। हम पहुंच चुके हैं काफी ज्यादा रश के साथ और मम्मी चली गई है, प्रेरणा अपनी वीडियो शूट करवा रही है। अच्छा चलो उसे जगह खाली चाहिए वीडियो बनवाने को। चांदनी चौक में गाइस हर टाइम इतना ही रश रहता है पता नहीं क्यों। पर क्या हाँ इधर सही, इधर बन जाएगी सही। मम्मी कहाँ गई? गाइज अगर आप लोग भी नियर रहते हो और यहाँ चांदनी चौक गुरुद्वारे आए हुए तो मुझे कमेंट करके बताना। छेल गाबरू सिन्ना जिसका चौड़ा हो, जगतपुर का लौंडा, जगतपुर का छोरा हो, ओए नहीं लौंडा नहीं जगतपुर का छोरा हो। गाइज देखना है प्रेरणा की वीडियोस ही नहीं खत्म होती। अच्छा
गाइस हम जा रहे थे बट जीजू को लंगर खाने का मन है आज, काफी टाइम में जीजू आए हैं तो जीजू ने बोला है कि चलो लंगर खाने, तो मम्मी का भी मन है तो मम्मी और जीजू जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं साथ में सारे। आ चुके हैं लंगर खाते और गाइस नोना भी लंगर आज कल इतना एंजॉय करती है ना, नोना बड़ी होती जा रही है तो नोना सब समझने लग गई है। बच्ची को कपड़े क्यों गीले करे, चलो गाइस चलते हैं घर। हम लोग आ चुके हैं वापस, नूना फिर रास्ते में रुक गई थी प्रसाद लेने के लिए और पर आ तो गए और गाइस देखो नूना वहाँ से जय गुरुदेव करियो, क्या करते हैं नूना गाइस। और पता नहीं गुरुद्वारे में इतनी भीड़ है, प्रेरणा को पता नहीं फिर भी कहाँ जगह मिल गई जो वीडियो बनाने को रुकी पड़ी है। हम लोग पता है कितनी देर पहले तो बाहर खड़े थे क्योंकि चाबी उसके पास थी, तो हम जाके चाबी ले आए तो वो अभी भी नहीं आई पर वो अभी भी वीडियो ही बना रही है। हम अपना बैठे देखो, इसे देखो गाइस, इसे देखो, क्या होगा बाबू, क्या बात है, मम्मी मत दिखाओ, मैंने उसके हाथ धोए हैं यार, तो आप इसे मीठा मत खिलाया करो अभी से। अरे तो उसे पसंद है, बच्चे की अपनी चॉइस है, चॉइस है, बच्चा सड़ा लेगा दांत अपने, आगो थप्पड़ मारूंगी पीछे चली जा चल। जाते हुए बात हुई थी रास्ते में जब मैंने तुझे बोला कि मेरे से नहीं पीछे बैठा जा, क्यों पीछे सीट नहीं है क्या, पीछे तेरे को ट्रक में बिठा रही हूँ क्या मैं, ओ अभी फोन गिरता, फोन से बचाओ, फोन गिर जाता अभी, चली जाए ऐसे चल, अरे बैठ जाओ इसे गाड़ी में मत बिठाओ, फोन पे मारे फोन गिर जाता अभी साड़ी, अरे भाऊ दोनों आफत मिली, दो गाना सीधा मिला। घर जा रहे थे बट मम्मी ने बीच में बोला कि मुखर्जी नगर कैंप ले चलो, मम्मी को कुछ सामान लेना है, इसे इसे मम्मी के पास जाना है, ये ले बंद कर देना। आ रही है नानी, आ रही है, गई नोना की नानी, नानी नोना को छोड़ के ले फोन चला ले बंद कर दे, वो नानी की देवती थम जाओ, नहीं बाय नोना, मम्मी गई, कौन आया नोना दिखाऊ, मैं इससे नोना का कुछ खाना पीना लेना तो सेरेलैक्स वगैरह, दवाई लेनी सेरेलैक्स वगैरह और लोशंस वगैरह बोलिए, एंड मम्मी ने यहाँ से खाना भी पैक करा लिया बिकॉज हमें तो भूख नहीं है, पापा और अंशु घर पे हैं तो उनके लिए ले लिया मम्मी ने, और अब हम जा रहे हैं घर, हमारा कुछ पीने का मन है प्रेरणा और मेरा, तो इसीलिए हम बोला है जीजू को हमने कि हमें कोई पे कुछ पिला देना, कुछ ना ठंडा ठंडा शेक टाइप पीने का मन कर रहा है मेरा और प्रेरणा का, बियर पीना चाहती है ये, नो नो शेक 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 आई वॉन्ट, पापा को मैंने ये बोला था कि मुझे बियर पीनी है, से कपड़ा भी ले जाओ है, मैं ये रॉक ऑन बच्चों की भी, बहुत पुरानी दुकान है, यू है एक आगे है, अब क्यों नहीं जाते, अब तो उस पर से ले जाऊंगी ना, उसमें महंगे मिले हैं मम्मी, महंगे कपड़े लेते थे आप, गरीब हो गया मैं, ओए ये है ना इस पे रोको यार, ये बहुत अच्छा बनाता है, इसी का तो बता रही हूं मैं, हाँ ये बहुत टेस्टी है यार, वहाँ साइड में सामने लगा लेना, मैं ले जाऊंगी रोड क्रॉस करके, यहीं से जो कोने से ले लेते कितने जी, जो मेरा बादाम शेक था, मेरा बादाम शेक था, मम्मी सब उल्टा कौन गिरने वाले थे मुझसे, ये देखो बहुत टेस्टी होता है हमारे इधर का बादाम शेक, किधर का लोकेशन बताओ भैया की वीडियो बनाओ उतर के, कैसा बंदा देखिए उसको कह रहे तुम मारे मारे उसको, क्या चुपके देख रहे हैं, चुपके कहा भी रहे, नींद आ रही है, आंखें भरी पड़ी है इसकी, अरे इसने मेरे को मेरी सेहत बढ़ानी थी कि इसे बादाम वाले को शेक वाले को, देखियो काजू बादाम सारे पिस्ते बारूद मेरे भी भर दिए, पिस्ते बारूद 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 डाल दिए इसके, हमला करेगा तेरे पे ये, अरे प्रेरणा मैम आई है, लग रहा फैन है तेरा तो, अरे फैन वाली बात नहीं पर सारे बारूद मेरी, तो मम्मी अपने लिए कुछ सीक्रेट बना रहा लग रहा है, भाई अपने लिए क्या लिया है तुम, आपने आपने नहीं लिया जी, चलो गाइस घर चलते हैं, हम आ चुके हैं घर और प्रेरणा घर नहीं आई बिकॉज लेट काफी ज्यादा हो गया, 12 समथिंग हो रहे हैं और हम लेट हो गए काफी ज्यादा, तो प्रेरणा जीजू वहीं से चले गए, एंड गाइस 12 समथिंग हो रहे हैं बट मुझे अपने कुछ कोलैब्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं यहाँ पर गाइस अभी अभी टेलर आंटी पे ना मैंने अपना सूट स्टिचिंग के लिए दे रखा था, तो अभी मैं जा रही हूँ उसे वेयर करने और उसके बाद मुझे इसके कोलैब्स कंप्लीट करने हैं, एंड काफी सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खाली हूँ रात को कुछ काम तो है नहीं तो मैं रेडी हो के वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो देखो गाइस मैं ये वेयर करने वाली हूँ,
एंड ये पीछे से बैकलेस है और इसमें दुपट्टा नहीं है बट ये इसकी स्लीव्स इतनी बढ़िया है गाइस। ऐसा सेम रेड में प्रेरणा ने पहना था, हमें आइडिया नहीं था गाइस। मोस्टली टाइम पता है क्या होता है, प्रेरणा और मैं ना अपना अलग अलग ऑर्डर करते हैं, कहीं पे कोलैब हमारा आया तो हम अलग अलग ऑर्डर करते हैं, बट मोस्टली ना गाइस प्रेरणा और मेरे ना काफी सूट सिमिलर आ जाते हैं। फिर जब हम बाद में देखते हैं ना कि तूने भी ये मंगाया मैंने भी ये मंगाया, तो हम दोनों इतना शॉक्ड होते हैं। अभी प्रेरणा कहती है भले ही अलग अलग रहे पर क्या फर्क पड़ता है, बहनें तो है ना एक दूसरे की, तो हम दोनों की चॉइस इतनी मिलती है कि हम मोस्टली इतना सिमिलर मंगा लेते हैं। बाकी चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपको अपने लुक दिखाऊंगी। लग रही है यार, तो गाइस देखो मैं आ चुकी हूँ रेडी होकर, सूट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार। मतलब ना प्रेरणा ने रेड कलर पहना था तो उसका रेड कलर तो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं, पर मुझे ना इसका ये ग्रीन कलर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें काफी सारे कलर्स थे, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और भी बहुत सारे कलर थे, मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा तो मैंने ही ले लिया, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं आपको अपना फुल लुक दिखा रही हूँ, इसका बैक तो एक नंबर है गाइस, मजेदार एकदम। और पता है गाइस अब ना 12:30 होने वाले हैं और पर मेरे को पूरा दिन से तो टाइम लगा नहीं, अब मुझे टाइम लगा तो अब मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे गली में। इतना रात, इतनी रात हो रही है गाइस, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। इसमें खंबे की लाइट गाइस रात को ही जलती है और यहाँ पे अच्छी वीडियो शूट होती है काफी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होगे मेरी मोस्टली वीडियो यही होती है, तो अब मुझे यही शूट करनी पड़ रही है। गाइस देखो ये इसका बैक है और ये फ्रंट में मीन्स इसमें ना दुपट्टा नहीं है, मुझे थोड़ा लूज हो रहा है, मैंने फिटिंग करवाई है उसके आपको बुला रहे हैं। उसके बाद भी इसके गाइस कंधे गिर गए और ये ना इसमें दुपट्टा नहीं है, इसके ना स्लीव्स पे ये लगा हुआ है और दुपट्टा नहीं है और नीचे पैंट है और ऊपर ये जॉइंट है। वैसे प्रेरणा वाला मेरे ख्याल से कट था, मेरा जॉइंट है या पता नहीं, उसका भी ऐसे ही था, मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया। अपने कपड़े चेंज, वीडियोस वगैरह शूट करके सब लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना। हाँ और गाइस मेरे भाई को पिज्जा खाना, मैं अपने मम्मी को, मम्मी कर दो यार ऑर्डर उसके लिए, पिज्जा कर दो यार, कोई बात पिज्जा बेकार है, जो खाएगा ऑर्डर कर दो। ओ गाइस मैं बिंदी हटाना ही भूल गई, बर्गर किंग KFC तो डोमिनोज का पिज्जा तो वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो डोमिनोज का पिज्जा तो वैसे भी नहीं आता यहाँ, बर्गर मंगा दो जो सा खाएगा। तो गाइस हमने सबने खा लिया खाना एंड KFC का बर्गर, हाँ दिया ही नहीं था उसको। और गाइस बाकी हम सब बैठे हैं, कोमल और मैंने खाना खा लिया। मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि हमने गुरुद्वारे में लंगर खाया था, तो अभी मेरा बस, मैंने आपको बताया कि मेरा आम बहुत ज्यादा फेवरेट है तो मैंने अपने लिए आम काटा था, मैंने आम खा लिया, मेरा पेट उसी से भर गया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार आम खाना, मन करते पूरे दिन आम नहीं खाते। कुछ पता नहीं चला, उसको भूल गई गाइस, चलना सीख गई है ना, इतनी ढीठ हो गई, इतनी ढीठ किसी की कुछ नहीं कर दी। ये वो तू बजा लो, ये मुंह में हाथ डालेगी तू बजा दे, ये अब तू बजा दे गाइस। पता जब से चलना सीखी है ना इतनी खराब हो गई है, पूरा टाइम चलती रहती है, चलती रहती है, चलते चलते गिर जाती है फिर, और फिर हम एकदम चिल्ला पड़ते हैं तो फिर रोने लग जाती है, तेज लगी नहीं होती पर हमारे चिल्लाने से रो पड़ती है। बाकी चलो गाइस करते हैं इसी के साथ वीडियो का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस फाइनली आप लोग तो मुझे ज्यादातर आइडियाज देते हो नहीं, मैं इतने पूछ लेती हूं, मैं कान छिदवा लूं, एक खाना है अभी बर्गर पिज्जा जो भी इसे खाना है, तो मैं इसके लिए ऑर्डर करवा देती हूँ मम्मी से। और बाकी चलो करते हैं वीडियो का एंड। और हाँ गाइस मैं ये बोल रही थी कि मैंने सोचा है तो फनी कंटेंट जिनका ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप लोग बने रहना चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, काफी ज्यादा बिजी डे था आज, मैं थक गई काफी ज्यादा, और अभी मेरा सूट कैसा लग रहा था वो भी कमेंट करके बताना। सो बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।